कर रहे हैं और मैं हूँ किचन में खाना बना रही हूँ। तो आज हम लोग को जाना है एक स्पेशल जगह पे, बारबेक्यू के नेशन में। मेरे देवर आ रहे हैं तो हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग जाएंगे, पहले मॉल जाएंगे, देन हम लोग बारबेक्यू के नेशन जाएंगे। और मैं चेन्नई में ही गई थी लास्ट टाइम, बहुत दिन से मैं नहीं गई हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आती है जब बहुत सारी डिश एक साथ मिलती हैं, तो उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सो इसलिए आज हम लोग जाने वाले हैं और फिलहाल आज मुझे खाना बनाने में काफ़ी लेट हो गई है, तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। सो मैंने इसमें चावल चढ़ा दिए, पहले मैंने दाल बनाया हुआ था, देन मैं चावल बना रही हूँ इसमें, और अभी मैं बना रही हूँ सांभर। तो सांभर के लिए मैं आलू और वो सॉरी प्याज और टमाटर फ्राई कर रही हूँ, और मेरी दाल भी ये रखी हुई है और काफ़ी पतली है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है सांभर काफ़ी पतला होता है, तो इस वजह से मैंने दाल बहुत पतली बनाई है। तो चलो अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट और सो अभी मैं जल्दी से फटाफट खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बाहर थोड़ा सा धूप में जाऊँगी, क्योंकि मैंने बाल धुलकर नहाया है तो इस वजह से मेरे बाल गीले हैं, सर भी मेरा ठंडा ठंडा लग रहा है। जब से मैंने नहाया है मैं धूप में नहीं गई हूँ, तो इस वजह से जल्दी जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ और फिर धूप में जाऊँगी। और आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप में से कौन कौन मेरा डांस देखना चाहता है कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे आप लोग नहीं भी बताओगे तब भी मैं डांस का वीडियो डालने वाली हूँ, सोच रही हूँ जल्दी ही डालूँगी, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मेरे डांस की तारीफ़ करते हो और रिक्वेस्ट भी करते हो कि आप डांस का वीडियो भी डाला करो, डांस का डाला करो, तो आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैं डांस का वीडियो भी डालूँगी। और चलो अभी मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी खाना नहीं बना रही हूँ अभी दोपहर में, सिर्फ सांभर और चावल ही बना रही हूँ, रोटी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी शाम को हमको जाना है बारबेक्यू नेशन में, और वहाँ तो आप जानते हो कि कितना ज़्यादा, अगर पैसे आपको सही मायने में वसूल करना है तो बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है वहाँ, अगर आप कम खाते हो तो फिर पैसा वसूल नहीं होता है। इस वजह से अभी हम लोग थोड़ा हल्का ही खाएंगे ताकि हमारा पेट खाली रहे, और अब मुझे खाना बनाते बनाते प्यास लगाई तो मैं पानी पी रही हूँ। तो हाँ, मैं यही बोल रही थी कि अगर वहाँ का पैसा वसूल करना है तो आप कोशिश करो कि दोपहर से कम ही खाओ, ताकि अच्छे से पैसा वसूल हो पाए और हमें वसूल करना है अपना पैसा। सारा वेजिटेबल नहीं मिक्स करी हुई है, सांभर है, चावल है, और आंटी ने राजमा दिया है, तो हम लोग राजमा सांभर चावल तीनों चीज खाएंगे थोड़ा 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 थोड़ा। और ना मैंने आज हेयर वॉश किया हुआ है तो मेरे अभी पीछे के बाल थोड़े से गीले हैं, तो मैं जा रही हूँ बाहर धूप में बाल सुखाने। और आज बहुत ज्यादा हवा चल रही है, लेकिन धूप अच्छी है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और मुझे फ़ोन में लिटरली कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कि पता नहीं कुछ आ भी रहा है फ़ोन में या नहीं, आई डोंट नो। बस मैं ऐसे ही बनाए जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा धूप है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सो अभी हम लोग ने डोसा खाया है और अभी मैं बैठी हूँ ये, और मेरे देवर दोनों लोग मुझे तो लेने गए हैं, तो हम लोग अभी मुझे तो पिएंगे। और आज ना हम लोग न्यू मॉल में आए हैं, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ से, कुछ नया नया है। अभी हम लोग थोड़ी देर टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि बारबेक्यू नेशन जाने में टाइम है और कहीं जा नहीं सकते वरना टाइम वेस्ट होगा। और ये हैं मेरे देवर जी जिनकी मैं बात कर रही थी, ये डेंटिस्ट हैं, आप लोग मुझे पता है पूछोगे कि आपके देवर क्या करते हैं, इसलिए मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया। और ये देखो हम लोग अचानक से गिटार की शॉप में पहुंच गए हैं, क्योंकि अपू भैया को गिटार लेना था, वो पिछले साल से प्लानिंग बना रहे हैं कि मुझे गिटार सीखना है, गिटार बजाना है, बट ले नहीं पा रहे थे। सो आज फाइनली हम तीनों लोग साथ में थे तो बोले चलो मुझे गिटार दिला दो, तो बस हम लोग वही गिटार की शॉप पे आए हैं। और थोड़ा सा मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही थी गिटार के साथ, बजाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मुझे भी है गिटार में, और पॉसिबल होगा तो कुछ दिन बाद मैं भी गिटार ले लूँगी, बट अभी नहीं लूँगी, कुछ दिन बाद लूँगी।
सो फाइनली हम लोग बाबी के लेसन पहुँच गए हैं और अब फिर हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे और मैं आप लोगों को टाइमिंग ज़रूर बताऊंगी कि हमने कितने घंटे तक खाया है और कितने घंटे हमने यहाँ वेस्ट किया, वेस्ट नहीं किया मतलब अपना पैसा वसूल किया है। तो वो लास्ट में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी पूरा खाने के बाद। सो अभी तो हम लोग खाने के फिलहाल मज़े ले रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। धुआं भी निकल रहा है, गर्म हो रहा है, ग्रिल हो रहा है, मछली है, पनीर है। तो हम लोग आए हैं बारहवीं के नेशन और अभी मेरे देवर जी वॉशरूम गए हैं, वो भी आ जाए, देन हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे। ये ग्रिल्ड क्या फ्रूट्स हैं क्या? तो फ्रूट्स भी है, फ्रूट्स भी है, पनीर भी है, मशरूम भी है। तो ग्रिल्ड फ्रूट्स है और चीज है, शायद मे बी पोटैटो भी है। हाँ तो यही सब कुछ है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और धीरे धीरे मैं आप लोग को दिखाऊंगी सब कुछ क्या क्या यहाँ मिल रहा है। फिलहाल तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। एनिवर्सरी होता है ना तो फिर ये लोग ऐसे ही उसका केक कटवाते हैं और ऐसे ही फुक्काते बजाते हैं। तो हम लोग जब से आए हैं हमें 10 मिनट हो गए हैं और 3-4 बार ये सुनने को तो मिल ही गए हैं। तो ज़्यादातर बार इसमें बारहवीं सुनेशन में यही ऐसे ही लोग आते हैं जिनका बर्थडे होता है या कोई पार्टी होती है, कोई ओकेज़न होता है, तो ऐसे ही लोग आते हैं यहाँ सेलिब्रेट करने। तो हमारा कोई ख़ास ओकेज़न तो नहीं था, बस हम लोग ऐसे ही आ गए, मन किया हम लोग का तो आ गए हैं। और ये क्या है, मटर टिक्की है। दिखाती हूँ मेन कोर्स में क्या है। तो मेन कोर्स में इन्होंने नूडल्स को भी इंक्लूड किया हुआ है और दूसरे साइड आई डोंट नो क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या है। सो ये आप लोग देख सकते हो राइस है, आई थिंक ये सांभर है। ये एक्चुअली मैंने मेन कोर्स खाया नहीं था तो मुझे मतलब नहीं ज़्यादा आइडिया है कि कौन सी सब्जी है क्या है। छोले हैं, पनीर है, तो यही सब है और कई सारे आइटम थे मेन कोर्स में भी, बहुत ज़्यादा आइटम थे आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग भी देखो और इन्जॉय करो, खिला तो नहीं सकती आप लोग को, बट आप लोग ये देखो वेज बिरयानी है, किसके मुंह में पानी आया वेज बिरयानी देखकर। अगर बिरयानी लवर होंगे जो भी, वो ऑब्वियस सी बात है उनके मुंह में तो पानी आ गया होगा देख करके। और आप लोग देख सकते हो कितने अलग अलग सैलड रखे हुए हैं, बहुत बहुत तरह के सैलड रखे हुए थे, फ्रूट सैलड से लेकर के जितने भी है सब कुछ रखा हुआ था। और हमने तो कुछ नहीं खाया बट इन्होंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया है, इन्होंने फुल वसूल किया है पैसा। आप लोग देख सकते हो डेजर्ट में कितना सारा आइटम है और इतना सारा आइटम था कि इसको देख करके ही मन भर जाए। बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की पेस्ट्री थी और ये कुछ कटोरियों में रबड़ी टाइप का रखा हुआ था और इसमें आप लोग देख सकते हो गरम गरम ब्राउनी है और छोटे छोटे से गुलाब जामुन है जिसको आप लोग आइसक्रीम के साथ खा सकते हो। एक तरफ जलेबी भी गरम गरम बनाई जा रही थी और ये देखो गोलगप्पे भी बन रहे थे जो कि मेरे फेवरेट हैं, हम सब लड़कियों के फेवरेट ही होते हैं गप्पे। तो बहुत कुछ और देखो मैंने कितना कुछ लिया हुआ, मेरी पूरी प्लेट डेजर्ट से भरी हुई है। और हाँ प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि ये मैं पूरा अकेले खाने वाली हूँ, ये हम तीनों के लिए मैंने लिया हुआ है। तो मैंने इसीलिए बताना ज़रूरी समझा कि आप लोग सोच हो रही है इतना ज़्यादा खाती है, फुल प्लेट इसमें ले रखा है। तो मैं अकेले नहीं खाने वाली हूँ, हम तीनों लोग खाएंगे। और मेरे पति देव अभी थोड़ी सी बिरयानी ले रहे हैं, वेज बिरयानी, क्योंकि उनको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमने तो स्टार्टर्स ही इतना ज़्यादा खा लिया था कि मेरा तो मेन कोर्स खाने का कोई मूड भी नहीं था। तो अभी मैं डेजर्ट खाऊंगी।
जाते जाते मैंने सोचा आपको प्यारे प्यारे रोजेस सिखा देती हूँ। ये बाहर बहुत सुंदर पेड़ लगे हुए थे और पूरे पेड़ में एकदम गुलाबी गुलाब भरे हुए थे, तो मैंने वीडियो बना लिया। और चलो अभी मैं जाती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।